नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कोरोना के केसेस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। जहां इंडिया में ही 500 केसेस पर डे आया करते थे, आज वहीं 36,000 केसेस से भी ऊपर आने लगे हैं। इन सब का बर्डन हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को दिनों दिन कमजोर बना रहा है। आए दिन हॉस्पिटलों में कहीं वेंटिलेटर की कमी तो कहीं कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की कमी अखबारों के पन्नों पर देखने को मिली जा रही है। ऐसे में सबको इंतजार है तो एक वैक्सीन का, जो इन बुरे हालातों से हमें निजात दिला सके। वैक्सीन बनाने की इस दौड़ में USA की कंपनी फाइजर एंड मॉडर्ना से पहले खबर आ चुकी है कि वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती फेज का परिणाम सफल रहा, लेकिन इसके ट्रायल के आगे की फेज का रिजल्ट आना अभी बाकी है। भारत भी कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में पीछे नहीं है। कोवैक्सीन नाम से बन रही स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल का परिणाम आना अभी बाकी है। अब बात करते हैं इस दौड़ में सबसे आगे निकली ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के एक रेप्यूटेड जनरल द लैंसेट में खबर छपी है कि स्टारजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन के दूसरे ट्रायल के परिणाम काफ़ी असरदार साबित हुए हैं। बताया गया है कि यह वैक्सीन सुरक्षित है, वेल टॉलरेटेड है और इम्यूनोजेनिक है, यानी कोरोना वायरस के खिलाफ यह वैक्सीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर उसे मारने में सक्षम है। साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम देखने को मिले हैं, जैसे सर दर्द, मामूली बुखार, जो कि पैरासीटामोल से ठीक किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, आखिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऐसा क्या किया जिससे यह वैक्सीन इतना कामयाब हो पाई? इस सवाल का जवाब बहुत ही दिलचस्प है। जवाब से पहले ये जान ले कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो हमारी इम्यून सेल्स उस बैक्टीरिया या वायरस के शरीर पर लगे एंटीजन की पहचान करता है और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसको मार देता है। कोरोना वायरस के शरीर पर भी प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं। इन्हीं स्पाइक्स की मदद से यह हमारी शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर पाता है और फिर शरीर में वृद्धि कर रोग का कारण बनता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना वायरस के डेड या कमजोर स्वरूप का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन अगर इसके परिणाम अनुकूल नहीं आते हैं तो उन लोगों को भी कोरोना हो जाता जिन पर यह वैक्सीन प्रयोग की जाती। इससे बचने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस से मिलते जुलते किसी दूसरे वायरस का वैक्सीन में प्रयोग करने का फैसला लिया, जिससे कि हमारी बॉडी उस दूसरे वायरस को कोरोना वायरस समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे और हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ने को तैयार हो जाए। उस दूसरे वायरस का नाम है एडिनो वायरस, जो कि चिंपैंजी में कॉमन कोल्ड जैसी नॉर्मल बीमारी करता है, लेकिन जब इसे मानव शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो उससे किसी भी बीमारी के सिम्टम्स उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस को पहचान कर एंटीबॉडी बनाकर उसे मार देता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यही एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को मारने में भी सक्षम है, क्योंकि एडिनो वायरस के शरीर पर भी सेम उसी प्रोटीन से बनी स्पाइक्स पाई जाती है जो कि कोरोना वायरस की स्पाइक्स में होती है। इसके साथ ही साथ रिसर्च में यह भी सामने आया कि इस मॉडिफाइड एडिनो वायरस की वैक्सीन से हमारी बॉडी में किलर टी सेल्स भी बनती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ट्रायल्स के दो फेज पूरे कर लिए हैं। अब वे तीसरे फेज को ब्राज़ील में 5,000 लोगों पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि यह वैक्सीन डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट लोगों पर कैसे परफॉर्म करती है। इस खबर के साथ ही भारत के लिए भी एक प्राउड की खबर आई है। भारत में ही स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि सस्ते दामों पर वैक्सीन बनाने के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है, एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस कोरोना वैक्सीन को सस्ते दामों पर पूरी दुनिया में प्रोवाइड कराने का जिम्मा सौंपा है। तो दोस्त, है ना प्राउड की बात,
इस बात पर दोस्त एक लाइक तो बनता है। इस खबर के बाद हमारे शेयर बाजार में भी उछाल आया है। अब तो इंतजार है तो बस इस वैक्सीन के पूरी तरह कामयाब होने का और कोरोना से मजे इसको आराम से इसके खात्मे तक के सफर तय करने का। दोस्तों आज हमने एनालिसिस किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना वायरस का प्रयोग न करके इससे मिलते जुलते दूसरे वायरस एडिनो वायरस का सहारा लिया। अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया को सस्ते दामों पर इसे प्रोवाइड करवाएगा। आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही क्वालिटी से भरा नॉलेज हम आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।